हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओके क्षेत्र। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, जो आपके डीटीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बिना टाइम गए शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल को, अगर आप नए हैं तो अगर नए आप विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लें और एक प्यार से कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहाँ आप जाकर टैप करिएगा, सीधा खुल जाएगा। अगर कोई आपको डाउट हो तो वहाँ मैसेज करना, मैं उसका सोल्व कर दूँगा, ठीक है, सोल्यूशन भेज दूँगा अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो। शुरू करते हैं अपना वीडियो, अपने लेक्चर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था, ठीक है। क्या था दोस्तों? व्यापार था। और दोस्तों वीडियो को बिना इसके किए देखिए, कि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। अगला प्रश्न करते हैं, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द यानी दुहिता का शाब्दिक अर्थ होता है? तो गाय का दोहन करने वाली, ठीक है। दुहिता जो है, जो दुहिता शब्द दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है गाय का दोहन करने वाली। अगला है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो मुरुगन था। कौन था दोस्तों? था मुरुगन। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? तो कांस्य में, ठीक है, कांस्य में। अगला है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का, ठीक है, कव्वाली शैली का। फिर अगला है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो दोस्तों मगहर में बनाई गई थी। जब कबीर की मृत्यु हुई उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में बनाई गई थी। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अगर दोस्तों आपको यानी जूनियर ग्रुप यानी 6th, 7th, 8th, मिडिल ग्रुप 9th, 10th और सीनियर ग्रुप यानी 11th, 12th, जो दोस्तों 6, 7, 8, ये दोस्तों जो जूनियर ग्रुप में आता है, ठीक है, और जो 9th और 10th है ये मिडिल ग्रुप में आता है, और 11 और 12 ये दोस्तों सीनियर ग्रुप में आता है। इसका दो मॉडल पेपर है दोस्तों, मैंने सॉल्यूशन के साथ बनाया वीडियो, अगर उसका वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, और दोस्तों मैंने जीके सीरीज के जो 50 क्वेश्चन है उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है, डीटीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट दिवस कभी वीडियो मैंने बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा या सर्च कीजिएगा इम्पोर्टेंट दिवस बाय ओके एसडी, तो तुरंत वीडियो मेरा आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अगला करते हैं, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया? तो गुरु अर्जुन देव को। ओके, अगला है, पांडवों का उल्लेख सर पदक किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मार्को पोलो ने किया था, ठीक है, मार्को पोलो ने। अगला है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो बिपाशा था। जो ब्यास नदी का प्राचीन नाम है, पुराना नाम है, तो बिपाशा था। 6th शताब्दी में ईवस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी में थी। कहाँ थी दोस्तों? कौशाम्बी। अगला है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? तो उद्दन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। कौन था दोस्तों? हर्यक वंश था। फिर है, बौद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं दोस्तों, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला है, सल्तनत काल में अश्वशालक के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो अमीर ए आखुर कहा जाता है। क्या दोस्तों? कहा जाता है अमीर ए आखुर। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने।
अगला है विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे। ठीक है, रामानुजाचार्य। अगला है खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था। कब दोस्तों हुआ था, तो 1527 में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। ठीक है दोस्तों, विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती महल जो किस मुगल शासक ने बनवाई थी, तो शाहजहां ने बनवाई थी। तो दोस्तों बिना टाइम गए मैं क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, तो अगर थोड़ी सी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड ये है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और थर्ड ये है कि तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और फोर्थ ये है कि आप एक प्यारा सा क्या कर दें, कमेंट कर दें, ताकि आपको भी फ़ायदा रहे और मुझे भी फ़ायदा रहे, ये दोस्तों वीडियो का थोड़ा लाभ मिले ही। ठीक है, अगला है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो महाभाष्य से प्राप्त होती है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है, तो ऋग्वेद का। फर्स्ट दोस्तों वेद चार प्रकार के होते हैं, मैंने वीडियो में बता दिया है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद क्या है दोस्तों, ये तो ऋग्वेद है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो हेरोडोटस है। ठीक है, हेरोडोटस। और जो संस्कृत के जो पिता हैं आपको कमेंट करके बताना है, संस्कृत के पिता, गणित के पिता और अंग्रेजी के पिता, आपको कमेंट करके बताना है कि इसके पिता कौन है। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है, तो भावभूत। ठीक है, भावभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी, तो अलबरूनी ने। किसने दोस्तों, अलबरूनी। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी, तो राजेंद्र प्रथम से। राजेंद्र प्रथम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्तनत काल में हक के सर्व क्या था, तो सिंचाई कर। ठीक है दोस्तों, सिंचाई कर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है नायब ये मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया, तो मुइज उद्दीन बहराम शाह ने। अगला है मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है, तो शोहरत ये आम कहा जाता है। क्या दोस्तों कहा जाता है, शोहरत ये आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी, तो मीर कासिम ने। ठीक है दोस्तों, मीर कासिम ने। किस अभिलेखों से पुष्टि हुई पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो अयोध्या अभिलेख से। ओके, अयोध्या अभिलेख। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और दोस्तों DTSC से रिलेटेड कोई आपको अगर डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट, एनी डाउट, यू आस्क मी एनी क्वेश्चन, प्लीज़ या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या इंस्टाग्राम अगर चलाते हो या ना भी चलाते हो तो डाउनलोड करके कुछ भी करके आप इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चन करके। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिया के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा था, तो 7 वर्गों में। 7 वर्ग कौन कौन से हैं, पहला तो है दार्शनिक, दूसरा है कृषिक, तीसरा है सैनिक, चौथा चरवाहा, पांचवा शिल्पी, छठा न्यायाधिकारी और 7 तो जो हमारा पार्षद है। कनिष्क की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों पेशावर यानी पुरुषपुर है, जो पेशावर में पड़ता है। अगला है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज्य सिंह थी कांच में किस मंदिर का निर्माण कराया था, तो कैलाश मंदिर का। ठीक है दोस्तों, कैलाश मंदिर का। अगला है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राष्ट्रकुल शासक कृष्णा प्रथम ने। ये कैलाश जो एलोरा में जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। ठीक है दोस्तों, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य किसी भारतीयों को मनोनीत किया गया, तो भारतीय कानून अधिनियम 1861 के तहत में किया गया था। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है।
बदल कहाँ स्थित? गुजरात में स्थित है। अगला है, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नेरोज किस शासक ने प्रारंभ किया? तो बलबन ने। बलबन ने किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो विलियम बैंटिंक के काल में। अगला है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, किसने कराया था? तो औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो मौर्य वंश। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश। किस राज्य हत्या कर सकता हथियार तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो शुंग वंश। क्या दोस्तों? शुंग वंश। अगला है, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में था। ठीक है, अगला है, धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। और सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मफरूज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मफरूज। अगला है, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती है? तो दोस्तों हसम अतराफ कहलाती है, हसम अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो नागभट्ट ने रोका। ठीक है, आज तक दोस्तों वीडियो हो गई है लंबी, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, 12 मिनट की वीडियो हो गई है। तो इसके आगे को क्वेश्चन अगले पार्ट में होगा, अगले वीडियो में होगा। तो प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो या इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।